नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने टीएमसी के कई नेताओं के यहां छापेमारी की है। ईडी का ये एक्शन उत्तरी दमदम नगर निगम भर्ती घोटाले के मामले में हुआ है। ईडी ने जिन नेताओं के यहाँ छापेमारी है उनमें ममता सरकार में दमकल मंत्री सुरजीत बोस, उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व मेयर सुबोध चक्रवर्ती शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी विधायक तपस रॉय के घर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल है। ईडी की कार्यवाही पर टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि ईडी जो कर रही है वो राजनीतिक रूप से प्रतिशोध पूर्ण रवैया है और ये बीजेपी के निर्देश पर हो रहा है। बीजेपी हार गई है, उनके पास टीएमसी का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ने शुभेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि अभी पार्टी के बयान के लिए इंतजार कीजिए, लेकिन ये साफ है कि इस छापेमारी के पीछे राजनीतिक एजेंडा है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर पत्थरबाजी और उनके साथ धक्का मुक्की भी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चोरों के घर छापेमारी हुई है। बंगाल के युवा और यहां की जनता इन लोगों को जेल के पीछे देखना चाहती है। इससे पहले इसी महीने में पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले मामले में जांच करने पहुंची ईडी की टीम, जैसा कि मैंने बताया, उन पर हमला किया गया था। ईडी नॉर्थ 24 परगना में शाहजहां शेख के ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, तभी कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया था और वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की गई थी। इस मामले में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस महीने की शुरुआत में हुए हंगामे के बाद या यूं कहूं कि हमले के बाद ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक्शन मोड के साथ साथ कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि टीएमसी के कई नेता पश्चिम बंगाल में हैं, जिनके यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम में पहुंची है, और अब जैसा कि मैंने कहा कि उत्तरी दमदम नगर निगम भर्ती घोटाले मामले में ये कार्यवाही चल रही है। क्या कुछ अपडेट ईडी की कार्यवाही को लेकर आते हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देते रहे। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने टीएमसी के कई नेताओं के यहां छापेमारी की है। ईडी का ये एक्शन उत्तरी दमदम नगर निगम भर्ती घोटाले के मामले में हुआ है। ईडी ने जिन नेताओं के यहाँ छापेमारी है उनमें ममता सरकार में दमकल मंत्री सुरजीत बोस, उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व मेयर सुबोध चक्रवर्ती शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी विधायक तपस रॉय के घर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल है। ईडी की कार्यवाही पर टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि ईडी जो कर रही है वो राजनीतिक रूप से प्रतिशोध पूर्ण रवैया है और ये बीजेपी के निर्देश पर हो रहा है। बीजेपी हार गई है, उनके पास टीएमसी का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ने शुभेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि अभी पार्टी के बयान के लिए इंतजार कीजिए, लेकिन ये साफ है कि इस छापेमारी के पीछे राजनीतिक एजेंडा है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर पत्थरबाजी और उनके साथ धक्का मुक्की भी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चोरों के घर छापेमारी हुई है। बंगाल के युवा और यहां की जनता इन लोगों को जेल के पीछे देखना चाहती है। इससे पहले इसी महीने में पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले मामले में जांच करने पहुंची ईडी की टीम, जैसा कि मैंने बताया, उन पर हमला किया गया था। ईडी नॉर्थ 24 परगना में शाहजहां शेख के ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, तभी कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया था और वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की गई थी। इस मामले में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस महीने की शुरुआत में हुए हंगामे के बाद या यूं कहूं कि हमले के बाद ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक्शन मोड के साथ साथ कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि टीएमसी के कई नेता पश्चिम बंगाल में हैं, जिनके यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम में पहुंची है, और अब जैसा कि मैंने कहा कि उत्तरी दमदम नगर निगम भर्ती घोटाले मामले में ये कार्यवाही चल रही है। क्या कुछ अपडेट ईडी की कार्यवाही को लेकर आते हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें।